जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के अपराध मुक्त होने का दावा करते हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, तो वहीं उनकी कानून व्यवस्था की पोल खोल दी उनकी ही पार्टी के विधायक रामलल्लू वैश्य के बेटे विवेक वैश्य ने, जिसने एक मामूली से विवाद में अपने विधायक पिता के पावर का ध्वज जताते हुए एक आदिवासी युवक पर गोली चला दी। गनीमत रही कि एक गोली युवक के हाथ में लगी, नहीं तो उसकी जान चली जाती। अब तो सिर्फ विपक्ष की ही नहीं बल्कि जनता भी आपसे पूछती है मुख्यमंत्री शिवराज जी कि आप अपनी ही पार्टी के विधायक के बेटे पर क्या कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई कब तक करेंगे? क्या विधायक का घर भी तोड़ेंगे आप? मुख्यमंत्री शिवराज, आपके विधायक के बेटे या उनके प्रतिनिधि जनता पर अत्याचार क्यों करते हैं, क्या इसका जवाब है आपके पास? नहीं ना। सीधी में भी आपके विधायक के प्रतिनिधि ने आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दी थी, ठीक उसी तरह बूढ़ी माई मंदिर के पास मामूली से विवाद में अपने भाई आदित्य खैरवार को बचाने गए सूर्य प्रकाश खैरवार नाम के आदिवासी युवक पर आपके विधायक के सुपुत्र विवेक वैश्य ने गोली चला दी और कार लेकर फरार हो गया। गनीमत रही कि वहां उपस्थित लोगों ने सूर्य प्रकाश को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो जो होता उसकी जिम्मेदारी लेते आप। और सिर्फ यही घटना नहीं, और भी आपराधिक घटनाएं हैं जिनके लिए आपके विधायक जी के सुपुत्र जिम्मेदार हैं, लेकिन लगता है कि आपके पुलिस वालों का डंडा सिर्फ आम जनता पर ही चलता है, ऐसे में रसूखदार लोगों पर नहीं। तभी तो इतने आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद भी अभी तक विधायक के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वही पीड़ित आदिवासी आपसे न्याय मांग रहा है कि सरकार अपराधी को सजा दे। आपके विरोधी जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने तो आपकी सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि इतने आपराधिक रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस अभी भी कानूनी कार्रवाई से डर रही है। उन्होंने तो चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में अपराधी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। अब आप बताइए शिवराज जी, कब तक कार्रवाई होगी आपके विधायक श्री के बेटे पर? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं, किसी भी आदिवासी को बेइज्जत कर देना, किसी भी आदिवासी को गोली मार देना, ये कोई आम बात उनके लिए है। लेकिन हम प्रशासन को ये बता देना चाहते हैं कि यदि उसके साथ अन्याय हुआ, आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुई और 307 जैसी गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई, तो कांग्रेस कल सड़कों पे दिखेगी। ये बात मैं अपने ऊपर नेताओं तक भी ले जाऊंगा और यदि इस पे कार्रवाई सार्थक नहीं हुई तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ी है दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की, पिछड़ों की, और आगे भी लड़ती रहेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।